दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक और अपकमिंग ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसके लीड रोल में आपको बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी नजर आने वाली हैं। दोस्तों, रानी मुखर्जी को अब 90s के कंपैरेटिवली बहुत ही कम मूवीज में देखा जाता है, बट हाल ही में उनकी मूवी बंटी और बबली 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। और रिसेंटली रानी मुखर्जी की एक और अपकमिंग मूवी की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका टाइटल है मिसेज चटर्जी एंड नॉर्वे। दोस्तों, इस मूवी की अनाउंसमेंट एक साल पहले की गई थी और इस मूवी की शूटिंग को भी इस साल अक्टूबर के मंथ में रैप कर लिया गया था। बट गाइस, फाइनली अब इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है और इस मूवी को आप 2022 में सिनेमाघरों में देख पाएंगे। ये मूवी एक ड्रामा जॉनरा की फिल्म है, जिसे इंडियन डायरेक्टर आशिमा छिब्बर ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी जी स्टूडियोज के बैनर की एक अपकमिंग फिल्म है। दोस्तों, इस मूवी की रिलीजिंग से पहले बात कर ली जाए इस मूवी की स्टोरी की, तो ये मूवी 2011 के इंटरनेशनल लेवल ह्यूमन राइट्स के ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड एक स्टोरी होने वाली है। दोस्तों, अभी तक रानी मुखर्जी की फर्स्ट लुक तो आउट नहीं की गई, बट इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए इस मूवी का एक पोस्टर आउट कर दिया है, जिसमें इस मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप नेक्स्ट ईयर 20 में 2022 को सिनेमाघरों में देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी नेक्स्ट ईयर मई के मंथ में रिलीज की जाएगी और इस मूवी का ट्रेलर एक्सपेक्टेड है कि मार्च के मंथ तक लॉन्च कर दिया जाएगा। होपफुली गाइस, आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जैसे इस मूवी से जुड़ी कोई भी और अपडेट सामने आएगी तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।